हेलो दोस्तों आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ तो बहुत ही टेस्टी और जल्दी से बनने वाली सेवई खीर की रेसिपी ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाती है सिर्फ कुछ ही मिनट में जब भी हमारा कुछ भी खा मीठा खाने का मन करे तो फटाफट से इसको बनाकर हम तैयार कर सकते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए आप इस टाइम पे कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं इस खीर को बनाने के लिए तो सबसे पहला काम है हमारा सेवई को अच्छे से भूनना है तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच के करीब घी ऐड किया था और यहाँ पर एक कप के करीब मैंने सेवई ऐड कर दी हैं आपको जिस क्वान्टिटी में बनाना हो उस हिसाब से सेवई की खीर बना सकते हो ये मैंने पाँच लोगों के हिसाब से बनाया हुआ था तो यहाँ पे जो सेवई हैं उनको मैंने अच्छे से घी में भून लेना है और जब तक भूनना है जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए जब इसका कलर चेंज हो जाएगा अच्छे से भुन जाएंगी इसको भुनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आप मीडियम गैस की फ्लेम पर भी इसको अच्छे से भून के तैयार कर सकते हैं और जब ये अच्छे से भुन जाती है इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है तो यहाँ पर हमें लगातार चलाते हुए इसको भूनना है अगर हम थोड़ा सा भी रोक देंगे तो ये जल जाती हैं तो यहाँ पे अच्छे से भून लिया है और देखिए कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है सेविंग हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं आप इसको घी में ही भूनिएगा ज़्यादा घी नहीं लगता है सिर्फ़ एक चम्मच या आधा चम्मच घी में ये भुन के तैयार हो जाती हैं अब मैं सेम कढ़ाई ली है आप यहाँ पे चाहो तो कोई भी बर्तन यूज कर सकती इसको बनाने के लिए और यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब दूध ऐड किया है ये फुल क्रीम वाला दूध है मैं इसमें आप आधा किलो दूध लिया है मैंने यहाँ पर और इस दूध को हमें जब तक गर्म करना है जब तक ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है आप चाहो तो एक गिलास के करीब पानी ऐड कर सकते हो इसमें टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है यहाँ पर दूध जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो यहाँ पर कंटिन्यू इसको चलाते रहिएगा नहीं तो कढ़ाई में लगने का डर रहता है दूध को जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसमें हम अपनी जो भुनी हुई सेवई है, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और सेवई ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से चला लेंगे इससे जो सेवई है पूरी अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए तो यहाँ पे इसको हम चलाएंगे गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो कर दिया था उसके बाद ही मैंने यहाँ पे सेवई ऐड की है और यहाँ पे अच्छे से हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगी जब ये दूध में एक साथ अच्छे से मिक्स जाएंगी अभी जैसे मैंने चला रही हूँ तो ये मिक्स नहीं हुई हैं यहाँ पर दे दी ये दूध के साथ सेवई अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं तो यहाँ पर हम चीनी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर चीनी जो मैंने ऐड की है जिस कप से मैंने सेवई ली थी उस कप ही उसी कप के साथ ही मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है थोड़ा सा कम ही लिया था पूरा भर के नहीं लिया था चीनी का का आप मीठा अपने हिसाब से ऐड कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो जितना आपको खाने में खाते हो उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर दीजिएगा चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे जैसे मैंने यहाँ पे काजू लिए थे बादाम ली थी किशमिश ली थी और मखाने लिए थे आप अपनी चॉइस के हिसाब से आपके घर में जो ड्राई फ्रूट्स खाते हो वो हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा और अभी ये बन तैयार नहीं हुई है ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसको और अच्छे से चलाएंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से उबल जाए जितना अच्छे से आप इसको उबालोगे उतना ही टेस्ट बहुत ही अच्छी टेस्टी बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट भी बहुत आता है अब हमने इसको उबालने के लिए छोड़ दिया था और देखिए बहुत अच्छे से उबल चुकी है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब यहाँ पर मैंने एक चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड किया था क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इलायची पाउडर का तो यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स भी जो आपको खाने में अच्छे लगते हो वो इसमें यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे देखिए जो मेरी खीर है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है लेकिन मैंने इलायची पाउडर ऐड किया इसलिए थोड़ी देर के लिए और इसको हम इस तरीके से छोड़ देंगे जिससे इलायची पाउडर का फ्लेवर और टेस्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पर देखिए मेरी जो खीर है एकदम मिक्स हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन तैयार हुई थी और देखिए इस तरीके से चला के देखिए आपकी सेवई और दूध एक साथ गिरे तो समझ जाइए आपकी खीर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है अगर आपका दूध और सेवई अलग लग जा रहे हैं तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हुई है इसको और ज्यादा उबालने की जरूरत है यहाँ पर देखिए मेरी सेवई की खीर बनके तैयार है यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसको कभी भी आप तो आपका जब भी खाने का मन करे कुछ भी तो ये, इसको आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में या कुछ भी आपके घर में फंक्शन हो तब भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए मेरे जो सेवई की खीर है बन के तैयार है गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में घर में सबको ही पसंद आएगी और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चाय को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अब है सर्विंग के बारी तो एक बाउल ले लिया है और जितना आप इसको मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा है क्योंकि ये ठंडे होने के बाद अपने आप ही थिक हो हो जाती है इसलिए कोशिश करिएगा इसको थोड़ा जिस फॉर्म में मैंने रखा है उसी तरीके से रखिएगा तो ठीक ठंडी होने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है और खाने में जैसे जैसे ये ठंडी होती है खाने का टेस्ट ही इसका दोगुना बढ़ जाता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी लास्ट मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम मैंने ऐड कर दिए था हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ रबड़ी की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए और इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी कम से कम दो चम्मच के करीब जिससे क्या है जो दूध हम यूज करेंगे वो तली में लगेगा नहीं और दूध जो है अच्छे से बॉयल हो जाएगा और हमारी रबड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे कम से कम मैंने एक किलो के करीब दूध लिया है ये फुल क्रीम वाला दूध है यहाँ पे आप गाय का दूध भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो रबड़ी है वो भैंस के दूध की ही अच्छी लगती है तो यहाँ पर अब हम दूध को एक बार अच्छे से चलाने के बाद गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे जब सबसे पहले इसको हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है जब हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा और ये उबालने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको बीच बीच में हम चलाते हुए इस तरीके से आ, अपनी रबड़ी बना के तैयार करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार दूध अच्छे से गर्म हो चुका था बॉयल आना भी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन इसमें मलाई जम गई थी तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आ, मिक्स कर दिया है और इसको अब बॉयल होने के लिए हम छोड़ देंगे जैसे ही बॉयल हो होने लगेगा गैस की फ्लेम को उन, हम बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद ही मेरा दूध अच्छे से बॉयल होने लगा था अब इसके ऊपर दूध के ऊपर जैसे मलाई आती है ना उसको हम दूध में ही मिक्स करते जाएंगे और जो इसके किनारे हैं मतलब साइड हैं उनको कढ़ाई में जो लगे हुए हैं इनको हम हटाते जाएंगे जिससे ये दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और इस तरीके से हमें बीच बीच में इसको चलाते रहना है नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा और लगेगा तो फिर जलने की महक सी आने लगती है और हमारी रबड़ी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा अब हम इसको गैस को मैंने यहाँ पर लो कर दिया था और आराम से जब ये अपना काम के साथ साथ हम इसको भी बीच में चलाते जाएंगे देखिए याद रखिएगा जो किनारी पे दूध लग रहा है उसको आप हटाते जाइए और साथ में इसी में ही मिक्स करते जाइए इससे क्या है हमारी जो रबड़ी है एकदम दानेदार बन के तैयार होती है है मलाई जैसी तैयार होती है बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर मैं इसको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ और इस तरीके से जो मलाई है वो अंदर ही कढ़ाई में मिक्स करती जा रही हूँ गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो रखा था और आराम से इसको आधे घंटा लग जाता है जब तक ये दूध पक्के तैयार होता है यहाँ पर देखिए जो मेरा दूध है आधे से भी आधा हो चुका है लेकिन जो मलाई है उसको मैं इस तरीके से साइड से हटाती जा रही हूँ और दूध में मिक्स करती जा रही हूँ मैंने गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रखा है अगर आपको जल्दी में बनाना है और आप इतने टाइम का वेट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है उसको आप हाई भी कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसको बना सकते हो यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको मलाई दिखाई थी इस तरीके से मलाई आती जा रही हो जो रबड़ी है हमारी एकदम मलाई सी और बहुत ही टेस्टी गाढ़ी से बन तैयार हुई थी जब दूध हमारा आधा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे पहले में चीनी मिक्स नहीं करना है जब दूध हमारा आधा हो जाए तब हम इसमें मीठा ऐड कर देंगे एक नौ दूध में आप अपने हिसाब से मीठा ऐड कर दीजिएगा आपको कितना मीठा खाना पसंद है वैसे तो रबड़ी में कम ही मीठा अच्छा लगता है लेकिन आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो आप और इससे एक्स्ट्रा भी यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच के करीब मीठा ऐड किया था और यहाँ पे अगर आप खाने वाली चम्मच से नापो तो मैंने यहाँ पे तीन से चार चम्मच के करीब मैंने मीठा ऐड किया था उसके बाद हम इस दूध को फिर से इसी तरह चलाते जाएंगे और दूध में जो आ, मलाई आती जा रही है उसको किनारों से इस तरीके से हटाते हुए हम दूध में मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको इस तरीके से चलाते रहना है और इस तरीके से हमारी जो रबड़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी अब यहाँ पर खुशबू और टेस्ट को और दोगना करने के लिए मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड किया है अगर आपको इलायची पाउडर अच्छा नहीं लगता है तो इसको आप टोटली स्किप भी कर सकते हो लेकिन ये आपकी चॉइस है लेकिन मैंने यहाँ पे जो दूध रबड़ी के फ्लेवर और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड किया था अब देखिए दूध मेरा अच्छे से बॉयल हो चुका है रबड़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है दूध से भी आजा दूध हो चुका है यहाँ पर गैस को अब मैं बंद कर दूंगी इसी तरीके से रखूंगी क्योंकि ये ठंडे होने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगी एक रबड़ी के फॉर्म में आ जाएगी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इसी तरीके से रखा और जिस तरीके से देखिए मैं आपको दूध चला के बता रही हूँ मेरी रबड़ी एकदम बन के तैयार हो चुकी है मलाई जैसी एकदम गाढ़ी सी मन रबड़ी तैयार हो गई है चार तीस से चालीस मिनट लगते हैं हमारी रबड़ी बन के तैयार हो जाती है अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको फटाफट से बनाना है तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर हाई करके भी आप बना सकते हैं लेकिन मैंने लो फ्लेम पर ही इसको बना के तैयार किया है अब इसमें हम इस तरीके से छोड़ देंगे अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं ऐड करने हैं तो आप इस तरीके से इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करके बना सकते हैं उससे टेस्ट डबल हो जाता है अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे दूध को मैंने एकदम गैस को बंद कर दिया था हमारी रबड़ी एकदम ठंडी नहीं हुई थी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैं यहाँ पे सर्व करने वाली हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसको एक बाउल ले लिया इसमें सर्व कर रही हूँ अगर मेरी रबड़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन तैयार हुई थी अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करिएगा अच्छी लगे तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यहाँ पर मैंने एक बाउल में रख ली है रबड़ी को और उस पर ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ थोड़े से मैंने काजू और बादाम ही लिए हैं इनको मैं ऐड कर रही हूँ आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकती हो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई थी अब इसमें फ्रिज में ठंडा ठंडा हो, होने के बाद सर्व करिए या फिर गर्म गर्म खाइए आपकी हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ गर्मियों की मज़ेदार सी रेसिपी मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बना के तैयार किया है तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो मैंगोस लिए थे तो एक मैंग मैंगोस को मैंने अच्छे से आ, इस तरीके से पल्प निकाल लिया था और एक मैंगो का मैंने ये छोटे छोटे बाइट पीसेस में मैंने कट कर लिया था बिल्कुल छोटे पीसेस में कट किया है आप चाहो तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं अब इनको हम एक साइड में रख देंगे यहाँ पे मैंने दो मैंगो लिए हैं आप अपने हिसाब से कितने भी मैंगो का ये कस्टर्ड बना के तैयार कर सकते हो दो मैंगो में मेरा पाँच से छः लोगों के लिए आराम से बन गया था अब यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लिया है और इस मिक्सी जार में हम जो अपना मैंगो का पल्प निकाल के रखा हुआ था उसको हम अच्छे से पीस लेंगे इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है जो सिंपल ही हम इसको अच्छे से पीस लेंगे दूध भी नहीं डालेंगे ना ही पानी ऐड करेंगे सिर्फ इसको नॉर्मल ही पीस लेना है और इसको पीसने के बाद यहाँ पे मैं एक जो सेम बाउल था उसी में हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पे पल्प बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था और इसमें बिल्कुल भी लंग्स नहीं रहने चाहिए बहुत ही स्मूथी तरीके से बन के तैयार हो जाता है पानी ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है ना ही दूध ऐड करने की ज़रूरत है अब ये हमारा जो पर्प है वो निकाल के हमने रख लिया था अब इसको हम रख देंगे एक साइड में और यहाँ पर मैंने दो बड़े दो से तीन बड़े साइज के जो चम्मच हैं उसका मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ले लिया था तो यहाँ पे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे यहाँ पे बनेला फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था क्योंकि नॉर्मली रेसिपी में उसका ही टेस्ट अच्छा लगता है तो यहाँ पे दो और इसको हमने जितना दूध हमारा लगा हुआ था उस दूध के हिसाब से हमने इसको एक स्मूथ सा बना लिया था इस तरीके से और इसको हम रख देंगे एक साइड में इसमें बिल्कुल भी लंग्स नहीं रहना चाहिए इतने इस तरीके से आप बनाइएगा तो यहाँ पर हम इसको भी रख देंगे एक साइड में अब यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब दूध लिया था और इस दूध को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था बॉयल बॉयल होने के लिए और इसको जब तक बॉयल करना है जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए ज़्यादा थिक भी नहीं करना चाहिए नहीं करना है सिर्फ हल्का सा ही इसको थिक करना है अब यहाँ पे दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है हमारा जो मैंगो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मीठा है और जिस हिसाब से आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें मीठा ऐड कर दीजिएगा मीठा ऐड करने के बाद हम दूध को अच्छे से बॉयल मेरा दूध गर्म ही हुआ था उसी में मैंने मीठा ऐड चीनी डाल दी थी और इसको अब बॉयल होने देंगे आप बॉयल होते टाइम भी चीनी डाल सकते हो ये आपकी मर्ज़ी है तो फिर यहाँ पे ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा इसको हमें चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से बॉईल ना हो जाए नहीं तो कढ़ाई में लग जाएगा और कढ़ाई में ना लगने की भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ कि आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए कढ़ाई में उसके बाद दूध ऐड करिएगा तो यहाँ पे दूध कढ़ाई में नहीं लगता है अब जो हमारी दूध की दो तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था अच्छे से चला चल गया था ये बॉयल हो गया था अब जो हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है मैंने बॉयल कटोरी में इसको घोल के रखा हुआ था इसको एक बार चम्मच से फिर से घुमाते हुए हम इसको आ, थोड़ा थोड़ा करके अपनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे इसमें इसमें कोई भी घुठले ना पड़े अच्छे से चला लेना है अगर थोड़ा बहुत पड़ भी जाते हैं तो इसको इस तरीके से अच्छे से चलाइएगा अच्छे से मिलाइएगा थोड़ी देर तो ये आराम से घुठले जो होते हैं वो सही हो जाते हैं अब यहाँ पे इसको हमें अच्छे से से चलाना है और इसको हम इस टाइम पे गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि जैसे ही हमारा कस्टर्ड पाउडर इसमें अंदर जाएगा ये अपने आप ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अब इसको इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए हम इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में डाल दूँगी पहले तो कढ़ाई में ही दस मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ दिया था ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसको हम थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर अगर आपको फ्रिज में एकदम ठंडा करके खाना है तो आप इसको फ्रीज में एक से दो घंटे के लिए रख दीजिएगा और अगर आपको नॉर्मली टेम्परेचर पर इसको यूज करना है तो थोड़ा सा ये ठंडा अच्छे से ठंडा हो जाने पर ही इसको यूज करिएगा मैंने एक से दो घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था और ये देखिए ये आराम से थिक हो चुका है और एकदम ही ठंडा ठंडा हो गया था अब है हम इसको सर्व करने की बारी तो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पे मैंने दो बाल ले लिए हैं और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और गर्मियों के सीज़न में जब आम आते हैं तो हमने ये कस्टर्ड नहीं मैंगो कस्टर्ड बना के नहीं खाया तो गर्मियों का मज़ा ही अधूरा रहता है ये बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आती है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को और यहाँ पर मैंने दो में इसको डाल दिया था और यहाँ पर जो हमने पीसेस कट करके रखे हुए थे ना इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था इससे ये भी बहुत ही ज़्यादा चिल हो गए थे ये ठंडा ठंडा गर्मियों की सीजन में कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करे ना तो फटाफट से इस रेसिपी को बना लीजिए गा बहुत ही ईजी है और मुश्किल से बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है अब जो मैंगो के पीसेस थे जो मैंने इसमें डिवाइड करके इसमें डाल दिए हैं ऐड कर दिए हैं साथ ही मैं इस के साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर सर्व करूँगी तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ मैंने बादाम लिए हैं काजू लिए हैं थोड़े से पिस्ता लिए थे आपको जो ड्राई फ्रूट्स इसके साथ पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इसके साथ सर्व कर सकते हैं तो देखिए बनके तैयार है हमारा मैंगो कस्टर्ड गर्मियों के सीजन में ठंडा ठंडा कस्टर्ड बनके तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता हूँ मेरे घर में तो सबको ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी कैसी लगा अगर रेसिपी पसंद आए तो आप फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जरूर ट्राई करिएगा इसको गर्मियों के सीजन में मैंगो आए और आपने ये रेसिपी नहीं बनाई तो आपने फिर क्या बनाया तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाय